नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को बताया लेडी मैकबेथ, कहा नहीं साझा करूंगा मंच। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता से उठा भरोसा, अब न्याय के लिए राष्ट्रपति के दरबार पर जूनियर डॉक्टर्स भेजा मेल। ममता बनर्जी के इस्तीफे की बात पर निश्चित प्रमाणिक का पलटवार, केवल मुंह से कहे नहीं बल्कि इस्तीफा देकर दिखाए मुख्यमंत्री। तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनल में नए सुधार, दुर्गा पूजा पर विशेष बसें 2 दिन चलेंगी, सिलीगुड़ी सभा कक्ष में हुई बैठक। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery, केवल 6 रुपया मा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। Dear Saptahik Lottery, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को बताया लेडी मैकबेथ, कहा नहीं साझा करूंगा मंच। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्हें बंगाल की लेडी मैकबेथ बताया और कहा कि वे उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। बोस ने ममता बनर्जी पर ड्यूटी में विफलता और लोगों की भावनाओं को न समझने का आरोप लगाया। ममता ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से माफ़ी मांगी थी कल और इस्तीफे की पेशकश की थी। राज्यपाल ने ममता पर संविधान के अनुच्छेद 167 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ सक्रिय कदम उठाने की बात कही। मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा, सामाजिक बहिष्करण सोशल बॉयकॉट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सामाजिक बहिष्करण का मतलब क्या है? मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। राज्यपाल के रूप में मेरी भूमिका संवैधानिक दायित्वों तक की सीमित रहेगी, जिसका निर्वहन मुझे मुख्यमंत्री के संबंध में करना है, ज्यादा नहीं कम नहीं। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में ममता सरकार से उठा भरोसा, अब न्याय के लिए राष्ट्रपति के दरबार में जूनियर डॉक्टर्स। कोलकाता रेप और मर्डर केस में खिलाफ न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और इसी की प्रति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी है। पिछले 34 दिनों में से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम ममता बनर्जी के साथ बातचीत विफल हो चुकी है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने माफ़ी मांगी और इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन डॉक्टरों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रमाणिक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह केवल बयानबाजी कर रही है और इस्तीफा देने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि जनता के लिए वह इस्तीफा दे सकती है। प्रमाणिक ने कहा कि इस्तीफा देने का सिर्फ दावा करना पर्याप्त नहीं है, ममता बनर्जी को वास्तव में इस्तीफा देकर दिखाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री झूठा आश्वासन दे रही है और आरोपियों को बचाने के लिए 21 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है। প্রথম কথা বলবো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মিথ্যেবাদী এবং তিনি যে একই মুখে বারংবার বিভিন্ন কথা বলেন এটা এর আগেও আমরা দেখেছি। দিতে পারি বা দেব এই ধরনের কথার চেয়ে নিজে প্রমাণ করে দেখাক। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি 1, দফা 1 মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ, এটা শুধুমাত্র আমাদের কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গের সুশীল সমাজ থেকে শুরু করে ডাক্তার থেকে শুরু করে স্কুলের ছাত্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মহিলা যারা কোনোদিনও কখনো কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, প্রত্যেকে পথে নেমে একই কিন্তু দাবি জানিয়েছে যে দফা 1, দাবি 1 মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। আর আজকে নিজের মুখে শুধুমাত্র সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, শুধুমাত্র সিম্প্যাথি নেওয়ার জন্য এই কথা বলে কোনো লাভ হবে না। যদি সত্যিকারের ক্ষমতা থাকে, উনি যে কথা বলেছেন পদত্যাগ করবার কথা, উনি পদত্যাগ করে দেখাক, তাহলে বোঝা যাবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যি তিনি যে কথা বলেন সেটা করে দেখ।
तेंजिंग नार्गे बस टर्मिनल को लेकर आज सिलीगुड़ी नगर निगम सभा कक्ष के एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पार्थ प्रतिम रॉय और अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में बस टर्मिनल में सुधार और पानी टंकी में नए टर्मिनल के निर्माण पर चर्चा की गई। मेयर गौतम देव ने बताया कि पूजा से पहले सुधार का काम शुरू होगा। पार्थ प्रतिम रॉय ने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बसें 2 दिन चलेंगी, पिछले साल की तुलना में 1 दिन ज्यादा। तेंजिंग बस स्टैंड एडवाइजरी काउंसिल तार मीटिंग छिलो, माननीय मेयर शेयर करेछेन आमादेर तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनस किछु डेवलपमेंट वार्क होच्छे, गवर्नमेंट किछु बरादद्द दियेछे। प्रथमे पब्लिक जे बसगुलो जेखाने दाड़ाय सेई जायगाटा पेपर ब्लक तादेर फ्लोरटा तैरि करे देवा होच्छे, ड्रेनेज सिस्टेमगुलो किभाबे तैरि करा जाय तार परिकल्पना हलो। एकई संगे बेश किछु आरो आलोचना सिद्धान्त ग्रहण होयेछे, जेमन तीन बत्ती मोड़ सेखाने সেই বাস স্ট্যান্ডটা কবে থেকে চালু করা হবে সেটা নিয়ে একটা উদ্যোগ না হলো, একটা জয়েন্ট ইন্সপেকশন করা হবে গোটা ড্রেনেজ সিস্টেম, বাউন্ডারি ওয়াল, সেখান থেকে আরও সুচারুভাবে কীভাবে প্রাইভেট এবং সরকারি বাসগুলোকে পরিচালনা করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। পুজোর সময় আমরা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন পুজো পরিক্রমা স্পেশাল চতুর্থী এবং পঞ্চমীতে করব, সেখানে পুলিশের আমরা ট্রাফিকের হেল্প চাইলাম, তারা সর্বতা সহযোগিতা করবে। পুজোর সময় আমাদের গাড়িগুলো অপারেশন করতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে ব্যাপারে ট্রাফিকের সঙ্গে আমরা বসে কথা বলে নিলাম। এবং আগামী 1 অক্টোবর পুজোর আগে আমরা 3টি নতুন রকেট বাস সেটা উদ্বোধন করতে চলেছি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে, সেটার একটা পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে। তো এভাবেই আমরা মোটামুটি আজকে আলোচনা করব। पीट पीट कर हत्या किए गए कांग्रेस कार्यकर्ता मानिक रॉय के परिवार से मिले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। जुलाई में मैनागुड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता मानिक रॉय की पीट पीट कर हत्या के बाद आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानिक रॉय के परिवार से मुलाकात की। मानिक रॉय की पत्नी और बच्चों से मिलने के बाद चौधरी ने कहा कि मानिक रॉय की हत्या तृणमूल समर्थित रेत माफियाओं द्वारा की गई और आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कांग्रेस नेताओं ने परिवार को समर्थन देने का आश्वासन दिया। এই যে মানিক রায় বলে যে ছেলেটাকে মারা হলো, কত দরিদ্র পরিবার একটা, দেখতেই পাচ্ছেন তার সহধর্মী দুটো ছেলে, যেদিনকে খুন করা যে তার পর্যন্ত ছেলেটা তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, মানে হত দরিদ্র পরিবার একটা। সেই পরিবারের একটা ছেলে কংগ্রেস করত, এখানকার বালি মাফিয়া যারা, বালি যারা চোর, তারা চেয়েছিল ওর বাড়ির উপর দিয়ে সব রাস্তাঘাট করে বালি চুরি করবে। সে বলেছিল আমার এই বাড়ির উপর দিয়ে রাস্তা করো না, এই তো বলেছে। আপনি আমি কেউ কি আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে বালি চুরি করার রাস্তা আমরা দেবো? সেইটুকুই বলেছে, কাউকে মারতেও যায়নি, খুন করতে যায়নি, কারো কাছে ভাগও চায়নি, হিস্সাও চায়নি, কিছুই চায়নি। একটা নিরপরাধ গরিব পরিবারের দুটো সন্তানের বাবা, সঙ্গে স্ত্রী, একটা ভারী ঘর পর্যন্ত ঠিক মতো নেই তাদের, আজকে তাদেরকে এইভাবে গাছে বেঁধে মধ্যযুগীয় কায়দায় হত্যা করা হচ্ছে। প্রশাসন কোথায় আমরা জানি না, পুলিশ কোথায় আমরা জানি না, বিচার কোথায় আমরা জানি না। रोगी कल्याण संघ की बैठक में सिलीगुड़ी जिला अस्पताल को बेहतर बनाने पर हुई चर्चा, मेयर ने दी जानकारी। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में रोगी कल्याण संघ की बैठक में सुधार योजनाओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष गौतम देव ने पत्रकारों को बताया कि अस्पताल को जल्द सी सजाया जाएगा, नए विभाग जोड़े जाएंगे, बिल्डिंग और लिफ्ट में सुधार होगा और नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए महिला पुलिस और अन्य पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और चिकित्सा सेवाओं को भी बेहतर बनाने पर विचार है। जेटा हुए चे 1 जन ऑफिसर, 9 जन मेल पुलिस और 6 जन फीमेल पुलिस, एटा नतून मोट 15 जन 1 जन ऑफिसर और 14 जन, सब मिले 15 जन पुलिस, तार मध्ये 6 जन फीमेल, तारा विभिन्न जगह ड्यूटीटा करबे। এছাড়া আমাদের ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, আমাদের 14টা অ্যাকোয়াগার্ড আছে, আরও অ্যানাদার 14 অ্যাকোয়াগার্ড আমরা প্রক্রিয় করছি। CCTV আমাদের হাসপাতালে 40টা আছে, CCTV আমরা ক্যামেরা, এটা আমরা ক্যামেরাই তো CCTV দিয়েছে, যাই হোক সেটা আমরা আরও 78টা নতুন CC আমরা অ্যারেঞ্জ
আমরা করব। এখানকার এই কোলাপসেবল গেট টেটগুলো একটু পুরনো, একটু ঠিকঠাক নেই, এগুলো সবগুলো আমরা ঠিক করে দিচ্ছি। তার জন্য এস্টিমেট হয়েছে পিডব্লিউডি, সেটা কাজ করবে। আর আমাদের এখানে ডাক্তারদের বোথ মেল আর ফিমেল, তাদের রেস্টরুম, ফিমেল ডাক্তারদের রেস্টরুমের সাথে অ্যাটাচ টয়লেট। न्याय की मांग में सिलीगुड़ी महिला महाविद्यालय के पूर्व छात्राओं के द्वारा निकाला जाएगा मशाल जुलूस। आज ही कर घटना के विरोध में महिला सिलीगुड़ी में महाविद्यालय की पूर्व छात्राओं द्वारा 14 सितंबर को डाबग्राम कॉलेज परिसर में मशाल जुलूस निकालेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्राओं ने बताया कि महिला डॉक्टर के लिए मामले में अब तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अन्य को न्याय नहीं मिला है। मशाल जुलूस के माध्यम से न्याय की मांग की जाएगी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अमीलाल का द्वारिका कैसल, 3 सुंदर टावर, 40 लग्जरी फ्लैट्स र 20 प्रीमियम दोकान को साथ में सिलीगुड़ी में तैयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईले क्लब हाउस में जिम, प्ले गार्डन र स्विमिंग पूल को आनंद लिनुहोस्। यो रेसिडेंशियल अनि कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, जहाँ 12 फिट भन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्लैट्स उपलब्ध छ। सिलीगुड़ी शहर को मुटु मानिने सेवोक रोड में अवस्थित अमीलाल का द्वारिका कैसल तपाईहरुको पर्खाईमा छ। झट्टै बुकिंग गर्नुहोस् र आफ्नो सुंदर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस डॉन बॉस्को मोर, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी, 8069220660। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end, just a 1.5-hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 800-133-7000. Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सही सलाह देंगे। और अच्छी बात ये है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है, तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444। वी फोकस ऑन मेकिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रेडी विद द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री बाय एक्वायरिंग स्किल्स मेक स्टूडेंट्स कंपेटिटिव इन देयर करियर्स विद रेलेवेंट स्किल्स मेकिंग स्टूडेंट्स आर मोर मार्केटेबल विद कोलैबोरेशन कीप अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स ड्यूरिंग कोर्स स्टूडेंट्स आर अर्निंग फ्रॉम देयर एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्री Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singdam, Birmingham.
contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Guruji, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। कैन यू बिलीव दिस? क्या विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में पिटाई से आहत होकर एक व्यक्ति ने की आत्महत्या, घटना में 4 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास स्थित आसीगढ़ मोड़ संलग्न इलाके में बुरी तरह से पिटाई से आहत होकर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। इस घटना की जांच करते हुए आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम जदीन आलम, सुदीप रॉय, संजू रॉय और हरका बहादुर देवना है। आज सभी आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरी और छिनताई हुए 31 मोबाइल फोन पुलिस ने लौटाया। सिलीगुड़ी थाना पुलिस ने चोरी और गुम हुए करीब 31 मोबाइल फोन को बरामद कर असली मालिकों को सौंप दिया। सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों से मोबाइल फोन चोरी और गुम होने की शिकायत थाना में दर्ज कराई गई थी। इधर घटना की जांच में जुटी सिलीगुड़ी थाने की सफेद पोशाक पुलिस ने 31 मोबाइल फोन को बरामद किया। वहीं कानूनी प्रक्रिया के बाद आज बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन असली मालिकों को सौंप दिया गया। इधर खोया हुआ मोबाइल फोन वापस पाकर सभी ने पुलिस को धन्यवाद दिया। सिलीगुड़ी शहर के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा कल निकाला जाएगा विशाल जुलूस। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में सिलीगुड़ी में 14 सितंबर यानी कि कल विशाल जुलूस निकाला जाएगा। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार सम्मेलन के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर असीम कुमार मुखर्जी ने बताया कि 1 महीने के अधिक समय हो चुका है और CBI की कोई प्रगति नहीं दिख रही है। जुलूस में शहर के सहायककार, नातेकार, संगीतकार और अन्य विशिष्ट लोग भाग लेंगे। বিস্ময়ের সাথে দেখছি যে CBI দায়িত্ব নেওয়ার পরেও তদন্তে সেরকম কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না সেখানে। एक बार फिर মানন্দা नदी से बालू की तस्करी करते समय ट्रैक्टर व डंपर जब्त किए गए। एक गिरफ्तार। फांसीदेवा के विधाननगर में মানন্দা नदी से बालू चोरी करते समय मिर्नेल अहमद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। विधाननगर जांच केंद्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छापेमारी की जहां बालू लदा ट्रैक्टर वैध कागजात के साथ पाया गया, जब्त कर लिया गया और आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बालू लदा ट्रैक्टर और डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है। जाँच जारी है। NJP थाने की पुलिस ने देसी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पूजा से पहले असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए NJP थाने की पुलिस ने सादे लिबास में सक्रिय है। प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की है और पुलिस स्टेशनों को असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। NJP पुलिस ने गुरुवार रात फुलबाड़ी बाईपास और बाड़ी भाषा इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया। घटना में विकास बर्मन तथा दीपक दास को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों को आज अदालत में पेश कर घटना की जांच कर रही है। दिनहाटा बार एसोसिएशन के नए भवन के निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ। कुचबिहार दिनहाटा बार एसोसिएशन के नए भवन का शिलान्यास आज उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदन गुहा ने किया।
इस मौके पर सांसद जगदीश चंद्र वर्मा, कुचबिहार जिला परिषद के उपाध्यक्ष अब्दुल जलील अहमद और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्तर बंगाल विकास विभाग के वित्तीय सहयोग से दिनहाटा नगर पालिका द्वारा नए बार लाइब्रेरी भवन, साइकिल और बाइक बस स्टैंड जैसे जगहों का निर्माण किया जाएगा। सिलीगुड़ी के देशबंधुपारा इलाके में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। सिलीगुड़ी के देशबंधुपारा इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के नीचे पड़े एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। पार्षद की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक को कई दिनों से इलाके में देखा जा रहा था और उसकी मौत बीमारी या कुपोषण के कारण होने की आशंका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया 1 करोड़ केवल 6 रुपया 1 करोड़ 6 रुपया 1 करोड़ केवल 6 रुपया 1 करोड़ 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 6 रुपया 1 करोड़